दूसरा वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश है तो दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी होगी। तो इसमें तीन चीज़ आपको दे रखी है। सबसे पहले पहचानो क्या चीज़ आपको दे रखी है। एक तो ये आवेश दे रखा है, पहला Q1 आवेश 0.4 माइक्रोकूलम, इसको कूलाम में बदलेंगे, गुणा कर देंगे 10^-6 की, ओके चलिएगा। अब दूसरा आवेश आपको दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम, और एक दे रखा है ये बल दे रखा है, आर आपसे पूछा है यहाँ पर। दूसरी चीज़ आपसे पूछी है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि भैया ये देखिएगा, पहले ये पहले गोले के कारण दूसरे पर लग रहा है 0.2 न्यूटन का बल। तो सिंपल सी बात है, आप जानते हो यदि कोई वस्तु, पहली वस्तु दूसरे पर बल लगाती है, दूसरा ही बल उतना ही बल लगाती है लेकिन विपरीत दिशा में। तो जब दो आवेशित गोले हैं और एक गोला इतना बल लगा रहा है 0.2 न्यूटन का, तो दूसरा गोला भी पहले गोले पर उतना ही बल लगाएगा। एक क्वेश्चन तो हमें वैसे देख कर ही सॉल्व हो गया कि दूसरा गोला पहले गोले पर कितना बल लगाएगा, 0.2 न्यूटन का बल ही लगाएगा, लेकिन इसकी दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। यदि पहले वाले की दिशा ऐसे है तो दूसरे वाले की दिशा ऐसे होगी, विपरीत, ठीक है। बस इसमें क्या निकालना है, अब आर दूरी निकालने पर फोकस करना है, चलिएगा। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है, क्या दिया है आपका, Q1 दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, और माइक्रोन को बदलते हैं हम कितने, 10^-6 से मल्टीप्लाई करके, तो 0.4 × 10^-6 ये कूलम हो गया। एक Q2 आवेश हो गया, और Q1 Q2 के कारण जो लगने वाला बल कितना, 0.2 न्यूटन का बल हो गया। पहले में आपका आर पूछा है, चलिएगा, ठीक। और इसमें आप सूत्र लगाएंगे, सूत्र कौन सा लगेगा, सूत्र वही है F बराबर ये वाला। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये सूत्र आप सभी को पता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 / r² यहाँ पे आपका पहले में आर स्क्वेयर यानी आर का मान आपसे पूछा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे सारी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। एफ का मान कितना है, 0.2 न्यूटन दिया था, इतने का मान आपको पता है कितना होता है, एक नियतांक होता है कूलम के नियम में जिसका मान 9/10^9 होता है। Q1 की वैल्यू कितनी है, 0.4 माइक्रोकूलम यानी कि 0.4 × 10^-6 कूलम, और ये कितना था, 0.8 × 10^-6 कूलम, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.4 × 10^-6, और Q2 की वैल्यू 0.8 × 10^-6, ठीक। नीचे R square को ऐसा कैसा ही रहने दो, R square को इधर ले आओ, ये चीज उधर पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा, R square बराबर, ये देखिएगा, ये 9 × 10^9 × 0.4 × और 0. ये 10^-6 है, ये 0.8 × 10^-6 है, देखिए इनमें तो कोई दिक्कत, कोई हमने कुछ नहीं करा, इसको इधर ले जाएंगे 0.2 नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से देखिएगा, ये पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा, आर स्क्वेयर बराबर, देखिएगा ध्यान से देखो, 9 × 4 ये 4 हो जाएंगे ना, जब पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो 9 × 4 = 36 हो जाएंगे, 36 × ये 0.8 यहाँ पे आ जाएगा, गुणा 10^ ये प्लस का 9 ये ना, 10^-6, देखिए प्लस का 9 ये है, देखो 1, 2 और 3 ये गुणा करके मैंने यहाँ पे लिख दी, 9 × 36 = 0.8, ये 10^9 10^-6 10^-6 10^-12 हो जाएंगे, क्योंकि −−−12 है, अपॉन नीचे ये पॉइंट से पॉइंट कट गया था तो 2 बचेंगे, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 18 × 36 = 18 कट जाएगा, ठीक है, और 18 मट्ठे कितने होते हैं, 18 × 144 यानी कि आर स्क्वायर बराबर 18 × 0.8 करोगे तो 18 × 144 एक अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, 14.4 आ जाएगा, गुणा 10^ ये प्लस के 9 है, ये −12 है, तो −3 बचेंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर बात ये हो गया, आर स्क्वायर बराबर 14.4 × 10^-3। जब भी कभी भी याद रखना, इधर आपका स्क्वायर में है तो आपको इधर घात हमेशा सम संख्या रखनी है, तो सम का मतलब या तो −2 रखो या −4 रखो, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इधर आगे पहुंचा देंगे इधर, क्यों, क्योंकि हमको पता है 144 12 का वर्गमूल होता है, इसलिए आर स्क्वायर बराबर 144 गुणा
दस की, क्योंकि एक अंक इधर की साइड में जाता है तो एक घात माइनस की आती है, तो 10^-1 आ गया, 10^-3। आर स्क्वायर बराबर 144 गुणा 10^ कितना हो जाएगा, -4। आर बराबर अंडर रूट में 144 गुणा 10^-4, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा 144 का वर्गमूल 12 है और इसका इसका घातों का वर्गमूल करते हैं तो घात आधी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, -2। इतने मीटर उत्तर आ जाएगा, या आर बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि -2 को खत्म कर देंगे तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे, -2 की जगह पर सेंटी आएगा, मीटर लगा हुआ तो मीटर, यहाँ पर ग्राम होता सेंटीग्राम, क्योंकि सिंपल सी बात है 10^-2 मीटर है तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का मतलब ही क्या होता है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 10^-2 की मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ये है तो इससे ये चेंज कर लेंगे, ये चीज अपने खोपड़े में याद कर लीजिए। तो ये तो आर निकल आई। अब आपको पता है भैया, जब पहले गोले के कारण दूसरे पर लगने वाला बल 0.2 न्यूटन है, तो भैया दूसरे के कारण पहले पर भी 0.2 न्यूटन का ही बल लगेगा। ये चीज तो आप भली भांति जानते हो, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल को करते हैं। नंबर तीसरा क्या कह रहा है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा ध्यान से, ये कह रहा है जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि, देखिए ये लिखा हुआ है के ई स्क्वेयर अपॉन जी एम ई और एम पी, यानी कि ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एम पी का मतलब क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो ये दिखाना है कि ये विमाहीन है, विमाहीन का मतलब इसकी कोई विमा नहीं है, और इसका अनुपात भी ज्ञात करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है आपको। ठीक है, कुल तीसरे प्रश्न को भी आप देख पा रहे होंगे, उसमें क्या था कि यानी ये वाला जो सूत्र है आपको, ये पहले में तो आपको ये दिखाना है कि ये विमाहीन है, दूसरा इसका अनुपात निकालना है यानी इसका मान आपको फाइंड आउट करना है। तो मतलब देखिए सिंपल सी बात है, आप जानते हो ये के क्या होता है, के आपका कूलम का नियम आपने पढ़ा होगा, एफ बराबर 1/4πε0 q1q2/r2। यदि आपका एक इधर इलेक्ट्रॉन रख दें, दूसरी जगह पर मैं प्रोटॉन रख दूं, तो इनके बीच में जो कूलम के नियम के अनुसार जो विद्युत बल लगेगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर 1/4πε0 को ही मैंने क्या बोला है, के बोला है। यहाँ पर ये 1/4πε0 जो कूलम के नियम में नियतांक होता है, ये वो वाला नियतांक है 1/4πε0, तो उसी को मैंने के से डिनोट किया, यानी कि ये नियतांक है 1/4πε0। ठीक है, और Q1 क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन लिया है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश भी E हो जाएगा, और प्रोटॉन पर आवेश भी E होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ही होता है, इसलिए E into E, नीचे आवेश के है। ऐसे ही यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लिया है, उसी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान भी होगा, जैसे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, अब इनके बीच की दूरी आर है, यहाँ पर भी आर है, तो कुल मिलाकर क्या हो गया, इनके बीच में जब ये द्रव्यमान है तो इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, जो कि क्या हो जाएगा, जी MEMP, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन आर स्क्वायर। जब इसमें हम भाग करते हैं तो तब ये फॉर्मूला निकल कर आता है, पहले में हम इसका भाग कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, क्योंकि R से ये R कट जाएगा, तो E और E स्क्वायर हो जाएगा, GMEMP। ठीक है, तो ये सूत्र आपको दिखाना है कि ये विमाहीन है, विमाहीन तो अपने आप बन जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, वैद्युत बल है, और ये नीचे क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, तो बल की जो विमा होगी नीचे भी उसकी विमा रख दो, तो बल की विमा से बल की विमा कट जाएगी, तो ये विमाहीन बन जाएगा। लेकिन हमको तो ये वाला सूत्र दे रखा है, इस सूत्र के आधार पर हमको दिखाना है कि ये विमाहीन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। के की विमा, के का मतलब क्या है, यहाँ पर के का मतलब है यहाँ पर 1/4πε0। ठीक है, इसकी विमा 1/4 पूरे की विमा, हमने पढ़ाया था 1/4πε0 की विमा क्या होती है, इस पूरे की। ठीक है, तो कूलम के नियम में जो नियतांक होता है, इस पूरे की विमा क्या होती है, ये होती है एम एल की घात 3 टी की घात -4 ए की घात -2, ये याद कर लेना जिसको नहीं पता। ई क्या है, यहां पर आवेश है, आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, एटी होती है, सभी को पता है। जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या होती है, ये होती है, याद कर लेना जिसको नहीं पता। एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान की विमा एम से डिनोट करते हैं। तो इस पूरे सूत्र की विमा क्या हो जाएगी, भैया के की विमा रख दी हमने, ई यानी आवेश की विमा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, नीचे जी की विमा, और ये एम पी एम ई यानी दोनों की विमा। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिएगा सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, देखो आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है, ये क्या हो जाएगा, एम एल की घात 3 टी की घात -1
ये देखिएगा यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया है, ये चार लिखा जाएगा यहाँ पर माइनस का दो, ये वाला ठीक है, माइनस का दो और ये है आपका चार, माइनस का चार ठीक है, ये वाला माइनस का चार ठीक ओके। और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, एक की घात दो और टी की घात दो, ये हो जाएगा ओके ठीक है। नीचे देखिएगा ये एम और एम, एम स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या था यहाँ पे एम माइनस वन, एल की घात तीन, टी की घात माइनस दो, और ये क्या हो जाएगा एम की घात दो हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, देखिए ये क्या है ए स्क्वायर, देखिएगा ध्यान से देखो जरा, अपने दिमाग में काट लेना, एक की घात दो है प्लस की और ये है एक की घात, ये माइनस की दो है, ये प्लस की दो है, मतलब एक्स की पावर यहाँ पर माइनस का दो है और यहाँ पर एक्स की पावर दो है, तो मतलब एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो का मान वन होता है, तो कुल मिलाकर बात ये किससे ये कट जाते हैं ठीक है। क्यों कट जाते हैं, क्योंकि एक्स की पावर माइनस दो गुणा एक्स की पावर दो है, इस माइनस दो को हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स की पावर दो, इससे ये कट गया, इस तरह से काट देते हैं, तो एक्स की पावर माइनस का दो, एक्स की पावर दो, ये कट गया ठीक है। ये टी की घात प्लस के दो है, यहाँ पर टी की घात माइनस के चार है, तो कुल मिलाकर बात ये है, यहाँ पर एक तो एम है, एल की घात कितना है तीन है, टी की घात कितना बचेगा, ये माइनस का चार है, ये प्लस का दो है, तो यानी कि माइनस का दो बचेगा केवल ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एम की घात कितना है, एम की घात यहाँ पे दो है प्लस का, यहाँ पे माइनस का एक है, तो नीचे क्या बचेगा केवल एम बचेगा। ये एल की घात तीन है, यहाँ पे एल की घात तीन बचेगा ठीक है। टी की घात यहाँ पे क्या है माइनस दो है, टी की घात माइनस दो। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस पूरे से ये पूरा सेम सेम आ रहा है, कट गया, तो मतलब ये क्या बन गया, यहाँ पर कुछ विमा मिली ही नहीं, यानी कि एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, ए की पावर जीरो, कुछ है ही नहीं, यहाँ पे वन आ गया ना, सबकी पावर जीरो यानी वन, यानी कि ये हो गया विमाहीन, बनेगा ना, बन गया विमाहीन, विमाहीन ही हमको दिखाना था, विमाहीन यानी विमा बनेगी ही नहीं, इसकी बन गई ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, काम खत्म करते हैं, इसकी अब वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, चलिए जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी इसका कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, जल्दी से कीजिए ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ललन टॉप सवाल है, एकदम बेहतरीन तरीके से आपका आने चाहिए, देखिएगा अब आपका इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, इसकी वैल्यू मान निकाल लेंगे, इसका मान, मान कैसे निकलेगा भाई, के, के का मतलब क्या है, के का मतलब वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो ठीक है, नौ गुना दस की पावर नौ, इसका मान क्या है नौ गुना दस की पावर नौ। ई, ई का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना दस की पावर माइनस 19 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये स्क्वायर हो गया ओके। जी, जी का मान क्या है 6.67 गुना दस की पावर माइनस 11 गुणा एम ई, एम ई का मान कितना है 1.66 गुणा दस की पावर माइनस 27 गुणा सॉरी एम ई, ये एम पी है, ये देखिएगा एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, तो किलोग्राम को तुम्हारा बोली, और 1.66 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम ये प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31, प्रोटॉन का द्रव्यमान ये हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 है, ये चीज याद कर लीजिएगा, इनके मात्रक भी याद कर लीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर ठीक है, इस तरह से ओके। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का तरीका वही पुराना है, 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा ये 1.6 का स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, 1.6 गुणा 1.6 गुणा इसका 10 की पावर माइनस 19 गुणा 10 की पावर माइनस 19, कुल मिलाकर मतलब ये दो बार मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ये 6.7 ये और ये तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई में आपको मोबाइल कैलकुलेटर से करके बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप सभी लोग मल्टीप्लाई करना में बहुत माहिर हो, मुझे कराने की जरूरत नहीं। 6.67 गुणा 9.1 गुणा और 1.66 ठीक है, तो यह आ जाएगा 100.75 100.7577 गुणा 10 की पावर, देखिएगा 10 की पावर माइनस 11 माइनस 31 और माइनस 27, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 31 प्लस 11 प्लस 27, इन तीनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 69 हो जाए, क्योंकि ये माइनस की माइनस, ये देखिए ये माइनस की घात, ये माइनस की घात, ये माइनस की घात, तीनों को जोड़ देंगे माइनस के 69 आ जाएंगे, तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा ठीक है। अब यहां तक मल्टीप्लाई होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब इसकी इसकी और इसकी तीनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन तीनों की मल्टीप्लाई भी मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं, क्योंकि मल्टीप्लाई तो आप कर ही लोगे ठीक है, मल्टीप्लाई के बाद में बाद का है जो भी कुछ है, 23.04 किया जाएगा, 23.04 गुणा
दस की पावर माइनस एक, ये देखिए 10 की पावर 9, ये तो प्लस का 9 ये रहा, 10 की पावर माइनस का 38 गुणा, इसको भी ऊपर ले जाओ, 10 की पावर कितना हो जाएगा, ये प्लस के 69 हो जाएंगे। प्लस के 69 क्यों हो गए, क्योंकि हम ऊपर ले गए, ठीक है। और ये 100 दशमलव, अब देखिएगा क्योंकि ऊपर दो अंक है तो नीचे भी मैं दो अंक रखना चाह रहा हूं, तो दो अंक रखना चाह रहा हूं तो मैं यहां तक लूंगा, यहां से अगला अंक एक एक से अधिक है तो इसमें एक जोड़ दूंगा, 76 हो जाएगा, कोई दिक्कत। मैं यहां तक दो अंक रखना चाह रहा हूं क्योंकि ऊपर नीचे दोनों में बराबर होने चाहिए पॉइंट के बाद अंक, तो मैं यहां पर दो है तो यहां पर भी दो कर लिए मैंने, यहां पर दो करने के लिए इससे अगला अंक देखूंगा, 5 या 5 से अधिक है तो इसमें एक जोड़ दूंगा, इतना हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा आपका ये आपका 69 और 9 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, और 78 में से 38 चले जाएंगे, 78 में से 38 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 0, 40, तो 10 की पावर ये प्लस के 40 बचेंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि माइनस का 38 है और ये माइनस का 69 और प्लस का 69 और प्लस के 9, प्लस के 9 और 69 जोड़ेंगे तो 78 हो जाएंगे, 78 में से 38 जाएंगे तो 40 बचेंगे, ये आ गया 40, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या ज्यादा है। ये 23.04 और ये क्या, देखिए यहां से इससे ये वाला पॉइंट काट दीजिए तो यहां पे क्या जाएगा, 2304/100। अब इसमें भाग करना सीख लो बस, ये है आपका 2304 में आप भाग करोगे कितने का, 100 दशमलव कितने का। अब देखो नॉर्मली मैं आपको समझा, आप ऐसा समझो, देखिए यहां पे पॉइंट है, ऐसा समझो नीचे क्या 100 है, कोई दिक्कत नहीं, 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 अंक में इधर की साइड में पॉइंट लेकर आऊं तो इसको देखिएगा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो और मुझे बताओ, ये 2304 है, ओके, 1, 2, 3, 4, तो 1.0076 गुणे 10 की पावर, 4 अंक आगे लेकर आऊं तो 10 की घात प्लस के 4 हो गया, और यहां पर कितना था, ये 2304 गुणा 10 की पावर, ये 40 था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां तक देखिए पॉइंट के बाद में एक अंक रखना चाह रहा हूं, इससे अगला अंक 0 है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी चीजों को छोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा, 2304 गुणा 10 की पावर 40 गुणा 10 की पावर, ये 4 ऊपर चला जाएगा, या 4 से 40 काट दो तो कितना बचेंगे, 36 बचेंगे, सीधी सीधी बात 36 बचे, तो यहां पर क्या लिख देंगे, 36, सिंपल सा काम खत्म। अब ये 2304 गुणा 36 आ गया, पॉइंट यहां पर है, 1, 2, 3 अंक और आगे लिया, 2.304 गुणा 10 की पावर, 1, 2, 3 अंक और आगे आ जाएंगे, 3 घात और बढ़ जाएंगे प्लस की, तो 39 हो जाएगा, इतना आंसर आ गया, इतना आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। लोग बिना किसी कैलकुलेटर की सहायता से आप पर आ गए ना, अगर अब ये गुणा कैसे करी थी, मैंने कैलकुलेटर से करी थी, लेकिन गुणा तो आप कर ही लोगे, बाकी समझाने तो यहां का काम था ना समझाना, ठीक है, गुणा भाग कर लो, बाकी फिर सार्थक अंक प्रॉपर्टी लगाओ, काम खत्म कर दो, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर से हाथ तो नहीं लगाया इसमें भाग करने में, देख लो उत्तर, उत्तर बिल्कुल यही है, ठीक है, 2.3 गुणा 10 की पावर 39 या 2.304 गुणा 10 की पावर 39, ठीक, काम खत्म, फिनिश, ठीक है। जल्दी से आगे वाले पे चलते हैं, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन से क्या तात्पर्य है। दूसरा, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। देखिएगा इसका उत्तर क्या है, पहले वाले का, किसी वस्तु का आवेश क्वांटीकृत है, इस कथन का तात्पर्य यह है कि हम किसी वस्तु को जितना चाहे उतना आवेश नहीं दे सकते, अपितु वस्तु को आवेश आवेश की न्यूनतम इकाई यानी ई के पूर्ण गुणजों में ही दिया जा सकता है। कुल मिलाकर बात यह है कि किसी वस्तु को यदि हम आवेश देना चाहेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन आवेश 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आवेश ही दे सकते हैं, किसी भी वस्तु को हम क्या 1/2 इलेक्ट्रॉन आवेश नहीं दे सकते, जितना भी आवेश देंगे वो कितने का गुणज होगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ का गुणज ही होगा। अब इसका मतलब यह है किसी वस्तु को हम यदि आवेश देंगे तो वो ई का गुणज होगा, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसमें से निकाल सकते हैं। ऐसा कभी नहीं सुना होगा आपने कि किसी वस्तु से आधा इलेक्ट्रॉन निकाला या 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है। चलिएगा आगे देखिए, आगे ये कह रहा है,
स्थूल यानी बड़े पैमाने के जो कण हैं जैसे कि पृथ्वी है या कुछ और, ठीक है, उन पर आवेशों से व्यवहार करते समय आवेशों के क्वांटीकरण का कोई महत्व तो नहीं होता, इसकी उपेक्षा की जा सकती। इसका कारण यह है कि बड़े पैमाने पर व्यवहार में आने वाले आवेश मूल आवेश की तुलना में बहुत बड़े होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, उदाहरण के लिए क्या बोला है कि माइक्रो कूलम आवेश में लगभग 1013 मूल आवेशित सम्मिलित होते हैं। ऐसी अवस्था में आवेश को सतत मानकर व्यवहार में लाइक